हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आवर चैनल ओनली फॉर स्टडी को। फ्रेंड्स, आज आम ओडियार जिके को डिस्कशन करबा किछि इम्पोर्टेंट जिके। तो देख, आज आम हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज माने जहाँ भी आमर इतिहास रे जो माने भी वीरपुरुष अच्छा बा जो माने भी इतिहास रे कौन निजर ना कर जाइछन्ते सेमानंक विषय रे जहाँ भी किछि इम्पोर्टेंट अछि ओडिसा को लेकिन, तो सेगुडा को आज आम डिस्कशन करबा। तो देख, जो माने भी आरआई मन पई प्रिपेयर होछन्ते ए क्लास टी सेमानंक पई बहुत इम्पोर्टेंट रहइबो बा ओडिसा रे जे कोनोसी एग्जाम हो समस्तंक पई ए क्लास टी बहुत इम्पोर्टेंट रहइबो। तो प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु जहाद्वारा आपंक किसी शिखा को मिलबो। तो चलंतु डेरी नकरी स्टार्ट करिबा। तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन दे देखो, व्हिच एयरपोर्ट वाज रीनेम्ड आफ्टर बीर सुरेंद्र साय। तो कौ एयरपोर्टर ना को आमर कौन कराई ना बीर सुरेंद्र सायं ना चेंज कराई। तो फास्ट आम जाना बीर सुरेंद्र साय किए ना सी होंगे आमर जड़े फ्रीडम फाइटर जो जी कि आमर कौन संबलपुर डिस्ट्रिक्ट आम बिलंग कर ठीक अच्छे। तो ना एवं कौ एयरपोर्टर ना ओडार ना ना चेंज कराई। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम झारसुगुड़ा हम ना ब्रह्मपुर हम ना संबलपुर हम ना उत्कल एयरपोर्ट हम। तो देखो यार करेक्ट आंसर होमर कौन ऑप्शन नंबर ए झारसुगुड़ा एयरपोर्ट। तो झारसुगुड़ा एयरपोर्टर ना को आमर कौन कराई संबलपुर जो आम बीर सुरेंद्र साय थे कहीं संबलपुर को लगिक ही अच्छे झारसुगुड़ा। तो ता हिसाब से ना को चेंज कराई बीर सुरेंद्र साय एयरपोर्ट भाव में ठीक अच्छे। तापर दुई नंबर देखु, हु वाज बीर सुरेंद्र साय। पुणी से पचारि बीर सुरेंद्र साय किए बोली। तो ऑप्शन ए रे अच्छी ए वेल नोन फ्रीडम फाइटर फ्रॉम संबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। माने संबलपुर डिस्ट्रिक्टर जड़े फ्रीडम फाइटर बोली जहाँ को समस्त जनाशुना। बीरे देछि ट्राइबल लीडर फास्ट तो ठीक अच्छे आम पढ़ले बीड़ा देछि ट्राइबल लीडर हु रिवोल्ट एग्नेस्ट द ब्रिटिश रूल 1827 1827 जी ब्रिटिश रूल एग्नेस्ट कौन करते लीड करते लीडर होकर समस्त को प्रोत्साहन देते विरोध में लड़े करने एडा हम कि एडा भी हम ठीक अच्छे। तो आमर कौन हम ऑप्शन नंबर सी हम बोथ ए एंड बी ठीक अच्छे। ए भी ठीक अच्छे बी भी ठीक अच्छे। तो ऑप्शन नंबर बी सी हम बोथ ए एंड बी। तापर तीन नंबर देखंतु, इन ह्विच ऑफ द फॉलोइंग जेल बीर सुरेंद्र साय वाज इम्प्रिजनड। तो देख इम्प्रिजन कोड कराई बंदी कोड कराई पचराई कौ जेल कहीं ना जेतिक भी फ्रीडम इंग्रेज मानकर गोटे रोल थिला जो लोक मैं दमन कर पारुनु। तो से लोक मान दुर्बल करने कौन दरकार ना लीडर को लेकिन जेल भर्ती कर दियो ताल लोक आपे आपे कौन हो डाउन हो जाए। तो से जितकी भी लीडर थे समस्त को से कौन करते ना जेल रे भर्ती कर दूसरे सेमती आम बीर सुरेंद्र साय को भी। तो यहाँ कौ जेल रे आमर कौन कराई ना भर्ती कराई सेठी पठाई कौ जेल को। तो यार करेक्ट आंसर आमर कौन हम आश्रीगढ़ जेल ना अंडमान जेल ना सेल्युलर जेल ना बर्मा जेल। तो यार आंसर कौन हम आम आश्रीगढ़ जेल जोड़ा कि आम एमपी स्टेट रे अच्छे आश्रीगढ़ जेल हो जाए ठीक अच्छे। तापर चार नंबर देखंतु, इन व्हिच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा चेंज्ड द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टू बीर सुरेंद्र साय यूनिवर्सिटी टू ऑनर ऑफ द ग्रेट लीडर सुरेंद्र साय। तो आमर को माने आमर जो ओडिशा गवर्नमेंट अच्छी सीए बीर सुरेंद्र साईं को ना रे जो आमर जो कॉलेज थिला कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ताको केबे को मसेरे चेंज करछि बोली पचारछि का ना रे सुरेंद्र साईं को ना रे आमर चेंज कराइछि। तो चार नंबर करेक्ट आंसर आमर कौन हम देखो, 2000 हम ना 2005 हम ना 2009 हम ना 11 हम। तो यार करेक्ट आंसर हो 2009 मसीहा ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर ठीक अच्छे। तापर पांच नंबर देखंतु, हु वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम ओडिशा टू गेट द डिग्री ऑफ MABL फ्रॉम कोलकाता यूनिवर्सिटी। तो देखो आमर कौ ओडिशा रो पर्सनालिटी अच्छा जी कि आमर कौन ना डिग्री पाई कौथे MABL रे कौ यूनिवर्सिटी रो ना कोलकाता यूनिवर्सिटी रो किए पाई। तो यार करेक्ट आंसर आमर कौन हो देखु, मधुसूदन दास हम ना गोपबंधु दास हम नीलकंठ दास ना विश्वनाथ दास। तो देखो आम ओडिशा रा प्रथम ग्रेजुएट किए थे मधुसूदन दास ठीक अच्छे ना। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो मधुसूदन दास प्रथम ग्रेजुएट प्रथम विदेश यात्री प्रथम मंत्री प्रथम कौन आमर प्रथम मंत्री भी हो ग्रेजुएट पास होजिए वकिल प्रथम लॉयर मध्य सी हो ठीक अच्छे सब गुड़ाक सी पास कर प्रथम प्रथम मधुसूदन दास हो। तापर ह्विच ऑफ द फेमस पर्सनालिटीज वाज पॉपुलरली नोन आज
कुलबुद्ध एंड उत्कल गौरव। तो उत्कल गौरव आम क्या कौचु कुलबुद्ध भाव में क्या किए जनशुना आमर मधुबाबू मधुसूदन दास। ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर। छर सात नंबर देखु व्हेन डिड मधुसूदन दास फाउंड उत्कल सम्मेलन। तो देखो फ्रेंड आमर जो ओडिशा प्रदेश गठन पाई बोली आमर उत्कल सम्मेलन तैयारी होता। तो ये क्वेश्चन देखो ओ डबल एस सी आम 2021 पचार लाटेस्ट क्वेश्चन बारंबार पचार रिपीट हो। ठीक अच्छे लाटेस्ट तो कह पूरा पुराणा क्वेश्चन जोड़ा को बारंबार से पचार। ठीक अच्छे तो यार करेक्ट आंसर कौन हो 1890 हम ना 1903 हम ना 1910 हम ना 1925 जो मैंने भी टेन्थ क्लीयर करके आस्त जन थी जो आम 1903 मसीह उत्कल सम्मेलन को गठन कराई मधुसूदन दास फाउंड करते यार टोटाल मेम्बर के 63 जन फास्ट टोटाल मेम्बर थे। ठीक अच्छे तो सात नंबर बी हो करेक्ट आंसर। आठ नंबर देखो On which day Madhusudan Das birthday celebrated as the lawyer's day in India, Odisha? तो देखो ओडिशा रा प्रथम वकील मु के कहिथिले मधुबाबू। तो मधुबाबूंकर बर्थडे को आमर जन्मदिन को बा जन्मदिवस को लॉयर्स बा वकील दिवस भाव में मना होची ओडिशा रे। तो सेडा आमर केबे मना होची तो तांकर जन्मदिन को मना होची। तो जन्मदिनडा तांकर केबे ऑप्शन ए 15 मार्च ना 28 अप्रैल ना 5 जून ना आमर 10 अक्टोबर। तो यार करेक्ट आंसर आठ नंबर कौन हो 28 अप्रैल। ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर बी हो 28 अप्रैल करेक्ट आंसर। तापर नौ नंबर देखो हु वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम ओडिशा टू बी द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो सी कहि कि ओडिशा रो को फर्स्ट पर्सन जी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल माने कौन आमर जो विधान परिषद तार भी मेंबर होते सॉरी हाँ आउ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली असेंबली माने कौन सभा तार मध्य कौन होते आमर मेंबर होते प्रथम फर्स्ट पर्सन किए होते बोली पचार। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो चंद्रशेखर बेहरा ना पंडित गोपबंधु दास ना महाराजा श्री रामचंद्र भंजदेव ना उत्कल गौरव मधुसूदन दास। तो देखते फ्रेंड यार करेक्ट आंसर आमर उत्कल गौरव मधुसूदन दास ही हम। ठीक अच्छे ये कौन करते ना आमर प्रथम सभा जो होता से अटेंड करके आसते जो इंडिया रहा से आसिक ये उत्कल सम्मेलन गठन करते। ठीक अच्छे तब देखो दस नंबर हु फाउंडेड द ओडिशा आर्ट वेयर वर्क इन 1897। तो देखो आर्ट वेयर जहाँ कला रिलेटेड जहाँ भी कार्य देख आमर आप शुणी थे कि मधुबाबूर बहुत बड़ गोटे चप्पल दुकान भी थिला तांकर कौन जे टे मंदा पड़ियार सी रागि जाइए जलईदे गाई बेपार मानने गाईर भी बिजनेस मानने जहाँ भी गाई रखिकी से लोक मान करते बिजनेस नुह सा करते क्षीर देवा कम करते आप पढ़ी भी जो हजिला दिन कथार से तो यार करेक्ट आंसर आम कौन हो उत्कल गौरव मधुसूदन दास ही हम सी ही प्रथम आम कौन करते आर्ट वेयर वर्क ओडिशा स्टार्ट करते। देख 11 नंबर मधुसूदन दास प्लेड ए पाइवोटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ व्हिच ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म इन ओडिशा। तो ओडिशा रो आमर जो को ट्रेडिशनल आर्ट को प्रमोट करियार अहम भूमिका थिला बा बहुत बड़ रोल निभेथिले से को काम ना यार करेक्ट आंसर कौन हम देखो पट्टचित्र पेंटिंग हम ना टेराकोटा स्कल्पचर हम ना तारकसी वर्क हम ना स्टोन क्राइविंग हम। तो आमर करेक्ट आंसर कौन हो तारकसी कम आारकसी कम आम किए फेमस अच्छे को सहर ना कटक सहर फेमस अच्छे आमर जो मधुसूदन दास कटक रू ही बिलंग करते। ठीक अच्छे तारकसी कम हम 12 नंबर देखु महाराजा श्री रामचंद्र भंजदेव वाज द रूलर ऑफ व्हिच प्रिंसली स्टेट इन ओडिशा। तो देख प्रिंसली स्टेट माने कौन जो राजा अंडर थिला तो से समय राजा अंडर थिला पुणी जिते ओडिशा गठन है सबगुड़ाक आम अंडर पलै आसला टोटाल ओडिशा तैयारी है। तो से जो प्रिंसली स्टेट थिला तार जो राजा किए थे बा कौ स्टेट आमर रूलर थे आगो स्टेट कहला एवं सीना डिस्ट्रिक्ट हो जाए। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम ऑप्शन नंबर बी मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट हम बस समय कह बोले मयूरभंज स्टेट हम। ठीक अच्छे तब देख सॉरी प्रिंसली स्टेट हम माने आम ओडिशा प्रिंसली स्टेट थिले से मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से राजा थिले। तापर 13 नंबर देखंतु इन व्हिच ईयर डिड महाराजा श्री रामचंद्र भंजदेव आसेंड टू द थ्रोन ऑफ मयूरभंज माने मयूरभंजर थ्रोन को सी केबे आसेंड माने कौन बसते थ्रोन राजा होते। ठीक अच्छे तो यार करेक्ट आंसर आमर कौन हो 1750 ना 1805 ना 1920 ना 1882। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम आमर 1882। ठीक अच्छे
ତାପରେ ଦେଖ 14 ନମ୍ବର, ହୁ କମିଶନଡ୍ ଏ ନେରୋ ଗେଜ୍ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ଫ୍ରମ୍ ରୂପସର ଟୁ ବାରିପଦା ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଷ୍ଟେଟ୍ ରେଲୱେ। ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ରେଲୱେ ଅଛି, ତା ଯେଉଁ ଆମର ଦେଖ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି, ନେରୋ ଗେଜ୍ ଆଉ କ'ଣ ବ୍ରଡ୍ ଗେଜ୍ ଅଛି, ଆଉ ମିଟର ଗେଜ୍, ତିନି ପ୍ରକାର ଆମର ରେଲୱେ ଅଛି, ନେରୋ ଗେଜ୍, ବ୍ରଡ୍ ଗେଜ୍, ମିଟର ଗେଜ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନେରୋ ଗେଜ୍ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଟା ଆମର ରୂପସା ଠୁ ବାରିପଦା ଯାଏଁ ଯାଇଥିଲା, ତା'ର କମିଶନର କିଏ କରିଥିଲେ ବା ତା'ର ଯେଉଁ ଯାହା ବି ସେଇଥିରେ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ତା'ର ଯେଉଁ ମାନେ ଯିଏ ବି ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ହାତ ଥିଲା, ତ କିଏ ଥିଲେ କମିଶନର, କିଏ କରିଥିଲେ। ତ 14 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖ, ଯେଉଁ ଦେଖ ଦେଖ ଆମର କ'ଣ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଷ୍ଟେଟ୍ର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ। ତ ୟାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଛି, ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ହିଁ ଆର କମିଶନର କରିଥିଲେ ବା ତାକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାପରେ 15 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଡେ ମଧୁସୂଦନ, 15 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ହୁ ପ୍ରେସାଇଡେଡ୍ ଓଭର ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମିଟିଂ ଅଫ୍ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ। ତ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାପକ କିଏ ଥିଲେ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ବା ପ୍ରେସାଇଡ୍ କରିଥିଲେ, ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ, କିଏ ଥିଲେ ଆମର ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାପକ। 15 ନମ୍ବରର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ, ଚକ୍ରା ବିଷୋଇ ହେବେ, ଚକ୍ରା ବିଷୋଇ ବି ଆମର ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଫାଇଟର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ମହାରାଜା ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ ହେବେ, ରାଜା କଞ୍ଜେ ଅର୍ତ୍ତଦେଓ ହେବେ, ନା ଆମର ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ହେବେ। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ମହାରାଜା ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ 16 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ହୁ ଆଜ୍ ଏ ଫାଉଣ୍ଡିଂ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଦ ନେସନ୍ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ସମ୍ବଲପୁର। ତ ଦେଖ, ହୁ ଆଜ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡିଂ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ନେସନାଲ୍ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ସମ୍ବଲପୁର, ସମ୍ବଲପୁର ଯେଉଁ ନେସନାଲ୍ ସ୍କୁଲ ଥିଲା ତା'ର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଥିଲେ, ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମର, ଦେଖ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା ହେବେ, ନା ମହାରାଜା ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ ହେବେ, ନା ରାଜା ଅର୍ତ୍ତରନ୍ ଦେଓ ହେବେ, ନା ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ହେବେ। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ନା କ'ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା ହେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ସ୍କୁଲ ଯେଉଁ ଥିଲା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କୁଲ, ତା'ର ଫାଉଣ୍ଡିଂ ମେମ୍ବର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ତିଆରି କରିଥିଲେ ବା ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ 17 ନମ୍ବର, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା ଅଫ୍ ସମ୍ବଲପୁର ଆକ୍ଟିଭିଟିଲି ପାର୍ଟିସିପେଟେଡ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ମୁମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ। ତ ଆମର ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା ଥିଲେ, ସେ ଇଣ୍ଡିଆର କେଉଁ ମୁମେଣ୍ଟରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ, ଆମର 3ଟା ମୁମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, କ'ଣ ନା କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ନନ୍ କପରେସନ୍ ମୁମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ତ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆମର ଭାରତ ଛାଡ଼ ମୁମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଖିଲାପତ୍ ମୁମେଣ୍ଟ ବି ହେଇଥିଲା, ସିଭିଲ୍ ଡିସୋବିଡିଏନ୍ସ, କିନ୍ତୁ 3ଟା ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା। ତ ସେଇଥିରୁ ଆମର କେଉଁଥିରେ ଇଏ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ, ତ 17 ନମ୍ବର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ, କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁମେଣ୍ଟ ବା ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯାହାକୁ କୁହାହେଉଛି, କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନନ୍ କପରେସନ୍ ମୁମେଣ୍ଟରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ, ସରି, ନନ୍ କପରେସନ୍ ମୁମେଣ୍ଟ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁମେଣ୍ଟ ନୁହଁ, ନନ୍ କପରେସନ୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେବ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ 18 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ସମ୍ବଲପୁର, ତ ଏଇଠି କିଏ ଆସିଲେ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା ୱାଜ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ସ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ରିନୋଏଡ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍। ତ କେଉଁ ଏଜୁକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍କୁ ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ ମାନିକି ସେ ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କୁଲ ଥିଲା ତାକୁ ବନେଇଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଶାନ୍ତିନିକେତନ ହେବ, ନା ମାୟୋ କଲେଜ ହେବ, ନା ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ହେବ, ନା ଆଲିଗଡ଼ ମୁସଲିମ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେବ। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଆମର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଆଉ ହରିହର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏମାନେ ଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଠାରେ ପୁରୀରେ, ତ ତାକୁ ଆଇଡ଼ିଆଲ ମାନିକି ସେ ବନେଇଥିଲେ। 19 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ହୁ ଇଜ୍ ରିଗାର୍ଡେଡ୍ ଆଜ୍ ଦ ନୋବେଲିଷ୍ଟ ସନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ତ ଓଡ଼ିଶାର ନୋବେଲିଷ୍ଟ ସନ୍ ବୋଲି ଆମେ କାହାକୁ କହୁଛେ, ତ 19ର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ଦେଖ, ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ନା ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ନା ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ନା ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଠିକ୍ ଅଛି। 20 ନମ୍ବର ଦେଖ, ହୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଦ ଡିସ୍କସନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଧିନୀ ସମିତି ଇନ୍ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ। ତ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଧିନୀ ସମିତି ନାଁରେ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ୍ ଗ୍ରୁପ୍କୁ କିଏ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଥିଲେ, 20 ନମ୍ବର କ'ଣ ଆନ୍ସର ହେବ, ମଧୁବାବୁ ହେବେ, ନା ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ହେବେ, ନା ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ ହେବେ, ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ହେବେ। ଦେଖ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଠିକ୍ ଅଛି, ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ଟିଚର ବି ଥିଲେ। ତ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ବନେଇଥିଲେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଧିନୀ ସମିତି। ତାପରେ ଦେଖ 21 ନମ୍ବର,
हु एस्टाब्लीश्ड द यूनिवर्सल एजुकेशन लीग नाउ नोन आज सत्यवादी हाईस्कल। गोटे यूनिवर्सल एजुकेशन लीग बनई थे साक्षी गोपाल, तार वर्तमान ना हूँ सत्यवादी हाईस्कल, ताको किए एस्टाब्लीश करते। तो एक करेक्ट आंसर कौन हम आमर नंदिनी शतपथी तो हेनी, पार्वती गिरी हेनी, मानसी प्रधान भी हेनी, गोपबंधु दास हे कहीं गोपबंधु दास से फाउंड करते आई आचार्य हरिहर भी आज टीचर भाव में थे। ठीक अच्छे, तापर देख 22 नंबर, हु इज नोन आज द गांधी ऑफ ओडिशा, ओडिशार गांधी बोली आम क्या कौचु, यार भी करेक्ट आंसर आमर कौन हम पंडित गोपबंधु दास। ठीक अच्छे, सी साक्षी गोपाटे जो सत्यवादी वन विद्यालय था से कौन टीचर थे से पिला हईजा पीड़ित लोक बहुत हेल्प भी करते। तो गांधी जो टाइप काम करते सी करते तेनालीशार गांधी बोली कहुचे मन रखु। 23 नंबर देख, उत्कलमणि वाज द टाइटल गिभेन ह्विच पपुलार पर्सनालीटी अफ ओडिशा। यहाँ तो छोट पा भी जना जोड़ा देख ओएसएससी सीजीएल पचार मैंने ओडिशार जो टॉप लेवल एग्जाम अच्छे से भी यहाँ पचार छोट पा भी जना आपण को भी जना कौन हम उत्कलमणि जो टाइटलटा क्या मिली कि आमर उत्कलमणि गोपबंधु दास। ठीक अच्छे, ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर। 24 नंबर देखु, हु इज इंस्पायर्ड द यूथ्स टू फाइट अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी एंड अदर सोशल एविल्स इन ओडिशा। ओडिशार जो अनटचेबिलिटी चलता जो अस्पृश्यता चलता एंड सोशल एविल्स माने जो जो सामाजिक जहाँ भी किसी खराब चलता तो से किने माने आमर जो यूथ थे इंस्पायर किए करूला जे ए विरोध में लड़े कर बोली। हु इंस्पायर्ड द यूथ्स माने यूथ मानक युवक मानक किए आमर इंस्पायर करते कि ए विरोध में एगेन्स्ट लड़े कर और या जय कर किए लड़े किए करते। यार करेक्ट आंसर आमर कौन हो, ऑप्शन नंबर ए पंडित गोपबंधु दास हे ना नीलकंठ दास हे ना उत्कल गोपबंधु उत्कल गौरव मधुसूदन दास हे ना विश्वनाथ दास हे। तो 24 करेक्ट आंसर कौन हम आमर नीलकंठ दास।